الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقضة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا قلوبنا بعد من إنك رب اغفر रबाबाद इनशा जल्हाज आज हम जो है अपनी किताब सही बुखारी से हम नया आप शुरू करेंगे आ, किताब दिल को नरम करने वाली बातों के बयान में वो हमारा जो आ, किताब है वो हमारा मुकमल हुई आज हमने सही बुखारी से पढ़नी है किताब इस बयान में कि मखलूक की पैदाइश क्यों कर हुई यानी कैसे हुई और अभी हमने जो बाप पढ़ना है वो है और अल्लाह पाक ने फरमाया यानी हदीसें कुछ सी होंगी क्योंकि इसमें अल्लाह पाक के फरमान होंगे इनसे इमरान बिन हसीन रदी अल्लाह तुमा ने बयान किया कि बनी तमीम के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तल वम की ख़दमत में आए तो आपने उनसे फ़रमाया कि ए बनी तमीम के लोगों तुम्हें बिशारत हो कहने लगे बिशारत जब आपने हमको दी है तो हमें कुछ माल भी दीजिए इस पर आप सहाल वसलम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया फिर आपकी की खिदमत में यमन के लोग आए तो आप सल्ल वसलम ने उनसे भी फरमाया ए यमन वालो बनो तमीम के लोगों ने तो खुशखबरी कबूल नहीं की अब तुम इसे कबूल कर लो उन्होंने अर्ज की कि हमने कबूल किया फिर आप मखलूक और अर्शिला की इब्तः के बारे में गुफ्तगू तो गुफ फरमाने लगे इतने में एक नाम नामूम शख्स आया और कहा एमरान तुम्हारी ऊँटनी भाग गई इमरान रदिल्ला हो हो कहते हैं काश में आपकी मलि से ना उठता तो बेहतर होता यानी अब ये बता रहे हैं कि मखलूक की पैदाइश क्यों कर हुई तो हजरत जो इमरान हैं ये बयान करते हैं हदीस हाबिया रसूल हैं तो इनको जो है हदीस के दरम्या में किसी ने बुला लिया तो इनको इसका अफसोस है कि काश मैं मुकम्मल सुन लेता और इसे भी पता लगा कि बनो तमीम ने जो है जब उनको बिशारत मिली तो उन्होंने दुनिया की ख्वाहिश की माल की ख्वाहिश की तो वो मज़ीद नहीं जान सके उनको मज़ीद नहीं दिया गया लेकिन यमन वाले जो लोग थे अहल यमन उन्होंने खुशखबरी को कबूल किया तो हुजूर ने उनको फिर आगे की जो बशारत के साथ साथ फिर उनको बताया कि मखलूक की इब्ता कैसे हुई और इलाही की इब्ता कैसे हुई आइए इसकी की थोड़ी तफसीर भी यहाँ लिखी है तो इसको हम पढ़ लेते हैं इसकी तफसीर को अल्लाह ही जाने जाने ही है जिसने मखलू को पहली दफ़ा पैदा किया वही दोबारा मौत के बाद ज़िंदा करेगा और यह दोबारा ज़िंदा करना तो उस पर और भी आसान है और रबी बिन खशीम और इमाम हसन बसरी ने कहा कि यूँ तो दोनों यानी पहली मरतबा पैदा करना और फिर दोबारा ज़िंदा करना उसके लिए बिल्कुल आसान है यानी अल्लाह के लिए जस्ट ये कोई भी चीज़ नहीं है किसी को मार देना दोबारा ज़िंदा कर देना अल्लाह ताली को मखलूक को पहली बार भी हम एक मौत मर चुके हैं यानी कि जब हमने अल्लाह ताली ने जो है जब मखलूक तख्ली की थी हम सब से पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हम सब ने कहा था भला फिर सबको मौत दी गई थी सब फिर दुनिया में अपने अपने वक्त पे अब आते हैं और वापस चले जाते हैं तो अल्लाह के लिए जो है इस तरह से मौत देना ज़िंदगी देना कुछ भी बेद नहीं है कुछ भी इसमें यही ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत हैरत अंगेज़ हो यानी अल्लाह तला के लिए ये बहुत आसान है यानी एक कोई पैदाइश के बाद दोबारा जिंदा करना ज़्यादा आसान ज़ाहिर के अतबार से है मुशद्दद और मुखफफ दोनों तरह पढ़ना जायज है और काफ में जो लफ्ज़ अफ अफियन अफ्यु, आया है उसके मानी हैं कि हमें पहली बार पैदा करने ने आजिज़ कर दिया था कि क्या हमें पहली बार पैदा करने ने आज कर दिया यानी कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि जिस मालिक ने हमें एक बेजान चीज़ से एक हमें दुनिया में भेजा एक हस्ती फ़रमाई है तो क्या वो दोबारा पैदा करने से आजिज़ हो गया नहीं वो लोग जो मौत के बाद उठने को झूठ लाते हैं वो लोग इस हकीक़त को समझ नहीं पाते उनके ख़्यालत इतने छोटे हैं कि उसमें बात समझ में नहीं आती कि कैसे अल्लाह जो है दोबारा से मखलूक को पैदा करेगा और तुम्हारे मारे को पैदा किया और इसी सूरत में अल्लाह ताला के तर्शाद में लऊूब के लफ् थकन के हैं और सुरानूख में जो फरमाया फरमायातवार के अतवार आ इसके मानी है कि मुख्तलिफ सूरतों में तुम्हें पैदा किया कभी नुतफा, कभी ऐसे खून की फिटकी फिर गोश्त फिर हड्डी पोस्त अरब के लोग बोला करते थे कि अदा यानी फलां अपने मरतबे से बढ़ गया यहाँ न के मानी रुतबे के हैं तो कुरान में लफ्ज है कि वल का खलाका को मतवारा कि हमने तुम्हें मुख्तु मुख्तलि सूरतों में पैदा किया तो उसका यहाँ बयान किया जा रहा है यानी मुख्तलि सूरतें क्या हैं देखिए कि इंसान नुवा था बेजान नुफवा फिर उससे उसने खून की फिटकी बनाई फिर गोश्त बनाया फिर उस पर हड्डियाँ हड्डियाँ फिर उन पर गोश्त चढ़ाया फिर इंसान को रूह बख्शी है ज़िंदगी अता की और इंसान इसमें भी मुख्तलि सूरतों में होता है देखिए कि इंसान हर वक्त हर लम्हे हमारी सूरत बदल रही है हम रफ्ता रफ्ता जो है बचपन से जवानी की तरफ़ आते हैं और फिर जवानी से मौत की तरफ़ जाते हैं तो हर लम्हे हर लम्हे हमारी स्किन में हमारी सूरत में चेंजेज़ आ रही होती हैं कभी भी ये चेंज हमें नज़र नहीं आता लेकिन अगर हम बहुत अरसे बात देखें या किसी को हम काफ़ी अरसे बात देखें तो हमें पता चलता है कि कितना वाज़ फ़र्क आ गया है तो ये एक इंसान की सूरत है वो हर वक्त मुख्तिक सूरत में इंसान बदलता हैती मौत तक पहुँच जाता है आइए अगला सुनते हैं उसी बाब में है इमरान बिन हसीन रदी अल्लामा ने बयान किया कि नब्बी करीम सल्ल वसम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने ऊँट को मैंने दरवाज़े ही पर बांध दिया इसके बाद बनी तमीम के कुछ लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हुए अब सल्लम ने उनसे फ़रमाया अ बनो तमीम खुशखबरी कबूल करो उन्होंने दो बार कहा कि जब आपने हमें खुशखबरी दी है तो माल भी दीजिए फिर यमन के चंद लोग खदमत नबी में हाज़िर हुए आप सला वसल्लम ने उनसे भी यही फरमाया कि खुशबरी कबूल कर लो यमन वालों बनू तमीम वालों ने तो कबूल नहीं की वो बोले यार रसूल अल्लाह खुशबरी हमने कबूल की फिर वो कहने लगे हम इसलिए हाज़िर हुए हैं ताकि आपसे इस आलम की पैदाइश का हाल पूछें ये ये पूछें ना कि उनको ये सवाल करने आए थे कि आलम अल्लाह तला ने जो दुनिया तख्लीक है जहाँ तख्ली है उसके बारे में पूछें आप सल्ल तल वसलम ने फ़रमाया अल्ल तजल से मौजूद था और उसके सिवा कोई चीज मौजूद ना थी और उसका अर्श पानी पर था लोहे महफूज में उसने हर चीज को लिख लिया है फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया अभी ये बातें हो रही थी कि एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि अब हंस तुम्हारी ओंठनी भागी और मैं उसके पीछे दौड़ा देखा तो वो शराब की आर में है मेरे और उसके बीच में शराब हाइल है यानी वो रेती जो धूप में पानी की तरह चमकती और अल्लाह के कसम मेरा दिल बहुत पछताया ये काश मैंने उसे छोड़ दिया होता और आप सल्ह वसलम की हदीस सुनी होती यानी इन्होंने बातें सुनी तख्लीक़ की लेकिन नामकमल लेकिन इन शौज इस बा में हदीसें आएंगी हम तक वो रवायतें पहुँच जाएंगी जिनमें साबित मुकम्मल सुनी अलबत् आल आलम की तखलीक देखी अल्लाह तला ने कैसे कि अल्लाह तला तो बुजुर्ग साथ है कि अल्लाह ताला वो जात है कि बाकी, हमेशा बाकी रहने वाली हमेशा से यहाँ मौजूद है हमेशा से कायम है अल्लाह के लिए कुछ अव्वल आखिर या इबा इंतहा नहीं है अल्लाह ताला हमेशा से है इंसान है जिसकी एक इब्तदा होती है एक नुतफे से इंसान बनता है और फिर इसकी इंतहा होती है कि अपनी मौत को पहुंच जाता है लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो बुजुर्ग है हमेशा से है तो जैसे कि हजूर ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ ना थी वह अज़ल से है यानी वह हमेशा से है हमेशा रहेगा उसके लिए कुछ भी अव्वल आखिर इस्टार्ट एंड उसके लिए कुछ भी नहीं है वह हमेशा से है और उसका जो अर्श है वह पानी पर था फिर अल्लाह ताला ने लोहे महफूज बनाई लोहे महफूज जो है किताब है जिसमें अव्वल आखिर इब्तः इंतहा यानी कि हर छोटी से छोटी डिटेल जो होनी है फ्यूचर में ये होनी है ये पास्ट में गुजर चुकी है सब उसमें मौजूद है लोहे महफूज हती कि अभी आप देखें कि जो हम सांसें ले रहे हैं ये जो सांसें हमारे अंदर जा रही हैं या कहीं कोई पत्ता गिर रहा है हर छोटी से छोटी चीज़ तक भी लोहे महफूज़ में दर्ज है तो आप ख़ुद सोचिए कि जो हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं क्या वो उसमें दर्ज नहीं होंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिख दी है और फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो इनशा जल्हा जल हम हदीसों को यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल अभी हम तफसीर की तरफ आ जाते हैं तफसीर में थोड़ा सा शॉर्टली बता दें हमने कल क्या क्या पढ़ा था कल हमने कुछ आ, माल के हवाले से पढ़ा था आज कल हमने एक तो ये पढ़ा कि वो क्या कहते हैं वसीयत का पढ़ा था कि जो मरने वाला होता है ना उसकी जायदाद का जो है वो बंटवारा कैसे करते हैं हम अभी था कि आपने मतलब अभी तो ये हिस्से नहीं आए थे मेरे ख्याल में अभी आया था कि आपने जो है से, मतलब कुछ ना कुछ दे के रुख कर देने और फिर ये सोचने की अगर आपकी औलाद पीछे रह जाती तो फिर उनके साथ क्या सुलूक होतामो का माल नाहक नहीं खाना दोबारा इसके बारे में फिर आ, भी को और ना ने हमें किया। माल जो खाते हैं वो दरअसल अपने पेट में की आग भर रहे होते हैं तो आज इनशा जजल हम जो हमने कल बातें सिर्फ पढ़ी थी कि तकसीम होनी है आज इनशा जर्जल और आगे की आए तो मैं वो तकसीम जो है प्रॉपरली बताई जाएगी कि किस तरह से किस तरह से हिस्से बनते हैं किस तरह से तकसीम होता है ये आप पढ़ेंगी यार किसकी بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إن ثلث سما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي ولأبويه لكل واحد منهما السدس منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها يوسي بها أوديني آباءكم, آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريزة من الله जकल्ला कुम तुम्हें वसीयत करता है अल्लाह हु अल्लाह फी औलादकुम तुम्हारी औलाद के बारे में दिस मर्द को मिसल मानित बराबर खजिन हिस्सा अल उनसैइन दो औरतों के फाइन कुन नसा फिर अगर हो औरतें फौकस नत फौकस नतैन ज्यादा दो से फला फलाहुन सुलासात उनके लिए दो तिहाई मातरक जो छोड़ा तरका वयान और अगर हो वाहिदतन वाहिद फल नस्फ तो उसके लिए नस्फ वाली अब ही और माँ बाप के, के लिए लिकुल वाहिद हर एक के लिए मिनहुमा इन दोनों में से छठा हिस्सा मिम्मा तरक उसने जो के तरक छोड़ा अका न लहु वलद और अगर हो उसकी औलाद फिल्म यकुल्लहु यकुन वलद फिर अगर ना हो उसकी औलाद वा वारी वा वारिस हो और उसके वारिस हों आबाह वा हूँ माँ बाप फली उम्मी ही तो उसकी माँ का असलुसु एक तहाई फं का न लहू एन और फिर अगर उसके हों कई बहन भाई फली उम्मी ही तो उसकी माँ कासु छा हिस्सादीम व... बासिया वसीयत के बाद यूसी बिह उसकी वसीयत की हो औदैन आू... या कर्ज अबाउक तुम्हारे बाप व अबनाकुम और तुम्हारे बेटे ला तरूना तुमको नहीं मालूम अकरबुल उनमें से कौन नज़दीक तर है तुम्हारे लिए न फन नफ़ा फ़रीदत मिनल्ला हिस्सा है मुकर किया हुआ अल्लाह का आलिम हकीम बेशक अल्ला जानने वाला हकमत वाला है तुम्हारी औलाद के बारे में अल्ला तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है अगर मैयत की वारिस दो से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का दो तहाई यानी टू थर्ड दिया जाएगा और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरक़ा उसका है और अगर साहिब औलाद हो तो उसके वालदे में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदेन ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा और अगर मैत के बहन भाई भी हों तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिल लिहाज नफ़ा तुम से क़रीब तर है ये हिस्से अल्लाह ने मुक्र कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ सारी मसलतों का जानने वाला है यानी अब इंसान अगर अल्लाह ताला के बताए हुए कौन ही ना हो कुछ सही चीज़ें डिसाइड करने लगे तो फिर क्या होगा इंसान जो हकीकत में छुपी हुए मसलते हैं इसमें क्या नफ़ा है क्या नुकसान है वो इंसान नहीं जानता अल्लाह जानता है इसलिए उसने बिल्कुल क्लैरिटी के तौर पे बिल्कुल क्लियरली तकसीम बता दी है अब इसमें जो है फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली और इतने यानी क्लियरली हैं कि इसकी तफसीर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं यानी हर चीज़ क्लियर है अब इंसान को ख़ुद ही पता है कि जब वह तकसीम करने लगा है तो कितने उसके सिर्फ़ औलाद ही है या वालदे भी हैं या उसकी बीवी भी है या कितने बच्चे हैं सिर्फ बेटा ही है या दो बेटियाँ भी हैं या किस तरह से है तो अल्लाह तौला ने तमाम तकसीम क्लियर कर दी है तो अलबत् यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ है तो इसलिए इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसकी तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है अगर मीराश के मामले में ये अवलिन असूली हदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से दो गुना है ये तो सबको पता होगा ना कि जब भी डिवीजन होती है तो उसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेटा या एक बेटी है तो फिर उसमें क्या होता है कि मर्द को दो के बराबर हिस्सा मिलता है तो मर्द का हिस्सा औरत से दोगुना है चूँकि शरीयत ने ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द पर ज़्यादा माशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला है और औरत को बहुत सी माशी ज़िम्मेदारियों के बाद से सबक दोष रखा है लिहाजा इंसाफ़ का तकाजा यही है कि मीराश में औरत का हिस्सा मर्द की नस्बत कम रखा जाए और इसकी इसमें हमत भी है हमत यह है कि देखिए कि अगर औरत के पास इतनी जायदाद आ जाए तो फिर लोग तो बयाना ही नहीं चाहेंगे कि जायदाद बाहर ना चली जाए और दूसरा ये कि औरत के अगर यहाँ से एक हिस्सा मिलता है तो वहाँ से उसके जो खावंद है उसको तो दो हिस्से मिल रहे होते हैं तो इस तरह से उसके भी तीन हिस्से पूरे हो गए और मर्द को अगर सेकेंड देखिए कि टू थर्ड होता है ना यानी कि यूँ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेटा एक बेटी है तो, तो टू थर्ड मर्द को मिलता है वन थर्ड औरत को मिलता है तो इस तरह से मर्द को दो हिस्से मिल गए औरत को एक हिस्सा मिल गया अब अगर मर्द की शादी होगी तो उसकी बीवी भी एक हिस्सा अपना लाएगी तो उसके भी तीन पूरे हो गए और इसी तरह से औरत जो कि वन थर्ड लेके जा रही है लेकिन उसके खावन को तो टू थर्ड मिले तो इस तरह से उसको भी तीन हिस्से मिल गए तो इसमें कई सारी ऐसी छुपी हुई हमतें पोशीदाएं ख़ानदानी निज़ामों का इस तरह से कायम रखना और औरत पे क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी फाइनेंशियल मैटर की ज़िम्मेदारी नहीं रखी ना का कुछ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है वो जो उसकी जायदाद भी है वो उसकी कम्प्लीटली उसकी अपनी है वो किसी को पालने की भी पाबंद नहीं है तो इस वजह से भी इसमें हमतें थी कि औरत को जो है शरीय ने कम हिस्सा दिए नहीं ऐसी छुपी हमतें जो कि इंसानी जहन शायद ही उनको समझ सके आगे फरमाया जा रहा है अगर मैय के बारिश दो से ज़ायद लड़कियाँ हों तो उन्हें तरक का दो तहाई दिया जाएगा यही हुक्म दो लड़कियों का भी है मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो उसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों तो ख्वाह दो लड़कियां हों या दो से जायद बहरहाल उसके कुल तरका टू थर्ड हिस्सा उन लड़कियों पर तकसीम होगा बाकी वन थर्ड दूसरे वारसों का यानी ये कि अब अगर ये कि क्वेश्चन ये होता है कि वो लड़कियों को टू थर्ड मिलता है तो अगर बेटा ना हो तो क्या कम्प्लीटली मिलेगा तो उसमें बताया गया नहीं उनको टू थर्ड ही मिलेगा बाकी जो वन थर्ड है वो दूसरे वारसों में लेकिन अगर मैयत का सिर्फ़ एक लड़का हो तो इस पर इजमा है कि दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में वो कुल माल का वारिस होगा और दूसरे वारिस वारिस मौजूद हों तो इस हिस्से देने के बाद बाकी सब माल उसे मिलेगा तो लड़के के लिए क्या है कि उसको कुल माल मिलता है अगर और कोई वारिस ना हो लेकिन औरतों के लिए टू थर्ड है आगे पढ़ते हैं और अगर मैयत और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है ठीक है दो लड़कियों के बारे में हमने पढ़ा टू थर्ड है और एक ही लड़की है तो तब भी वो फिफ्टी परसेंट जायदाद यानी सिर्फ आधा तरका वो पा सकेगी आगे बता रहे हैं और अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालदेन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए नहीं अब अब अगर वारिसों के बारे में आना शुरू हो गया कि किस वारिस को कितना दिया जाएगा यानी मैयत के साहब ओलाद होने की सूरत में बहरहाल मैयत के वालदेन में से हर एक को वन सिक्स उसका हकदार होगा ख्वाह मैयत के वारिस सिर्फ बेटियां हों या सिर्फ बेटे हों या बेटे या बेटियाँ हों हर ए, या एक बेटा हो या एक ही बेटी रहे बाकी टू थर्ड तो दूसरे वारिस में दूसरे वारिस शरीक होंगे नहीं उनके लिए क्लियरली छठा हिस्सा जो है अगर उसके वालदेन हो तो उनको मिलेगा यानी कि पहले हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ़ ओलाद हो उस पर कैसे तकसीम होना या और वारिस हों सिर्फ़ बेटियाँ हों तो कैसे तकसीम होना अब अगर ये कि वालदेन भी हों तो वन सिक्स हिस्सा जो है उनको मिलेगा यानी ये चीज़ें हैं जो वसीयत के अलावा हैं जो अगर किसी शख्स ने कोई वसीयत नहीं की है तो फिर इस तरह से तकसीम शरीत के अकॉर्डिंगली होती है और इसी तरह से जो सिर्फ़ बेटियाँ हों तो सूरत में तो हमें पता है कि आ, जो सिर्फ बेटियां हैं तो फिर वो टू थर्ड हिस्से में से और बाकी जो है उसको तकसीम किया जाता है तो उस तकसीम का जो है यहाँ जिक्र किया जा रहा है आगे पढ़ते हैं और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदे ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा यानी अभी हमने पढ़ा कि वन सिक्स पेरेंट्स को जाए और बाकी औलाद को जाए और अब अगर हम पढ़ रहे हैं कि उसकी औलाद ही ना हो यानी किसी कोई बात जायदाद सब कुछ है लेकिन उसकी औलाद नहीं है तो उस सूरत में क्या है यानी मां माँ बाप के सिवा कोई वारिस ना हो तो बाकी टू थर्ड बाप को मिलेगा वरना वरना टू थर्ड में बाप और दूसरे वारिस शरीक होंगे तो अब क्या है कि अगर उसकी औलाद नहीं है तो वैसे तो वालदेन का छठा हिस्सा है लेकिन अगर उसकी औलाद नहीं है तो टू थर्ड उसकी बाप को मिलेगा ठीक है तो इस तरह से तकसीम है आगे बताया जा रहा है अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी हाथ में और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी नहीं अब अगर जो है कोई फैमिली पर्सन है इमेजिन कर लेना कि या किसी की शादी हुई है औलाद नहीं हुई है तो बल्कि इस शादी का भी ना समझें क्योंकि बीवी के भी हकूक़ आगे बताए जाएंगे कि बीवी को कितना मिलना है फ़र्ज़ कहने किसी की औलाद नहीं है सिर्फ वालदेन है तो वालदेन का हमने पढ़ लिया उनको जो है औलाद भी हो तो छठा मिलता है औलाद ना हो तो टू थर्ड मिलता है और अब अगर बताया जा रहा है कि बहन भाई भी हों वो भी हिस्से में वारिस हों तो फिर माँ को छठा हिस्सा ही मिलेगा तो बहन भाई होने की सूरत में आइए पढ़ते हैं क्या है बहन भाई होने की सूरत में माँ का हिस्सा वन थर्ड के बजाय वन सिक्स कर दिया गया है यानी कि तीन हिस्सों में तकसीम होने के बजाय जो छठा हिस्सा है वो उसको मिलेगा इसी तरह माँ के हिस्से में से जो वन सिक्स लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा क्योंकि इस सूरत में बाप की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ये वाजे रहे कि मैय के, के वालदे अगर ज़िंदा हों तो उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं पहुँचता <coughs> तो अब क्या है कि अगर सिर्फ अगर उसकी वालदा हों बहन भाई भी हों तो उसको वन थर्ड दिया जाएगा यानी पहले वन सिक्स था ना अगर औलाद उसकी हो या और कोई वारिस ना हो और अब बताया जा रहा है कि बहन भाई होने की सूरत में जो है छठा हिस्सा ही मिलेगा इसी तरह माँ के हिस्से में वन सिक्स लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा यानी जो वन सिक्स छठा हिस्सा था वो बाप को चला जाएगा क्योंकि इस सूरत में बाप की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं अब ये वाजे क्लियरली बताया जा रहा है कि वालदेन मैय के वालदेन अगर ज़िंदा हों तो उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं पहुँचता तो अगर दोनों ही क्योंकि माँ की सूरत में बताया गया लेकिन अगर दोनों वाल जिंदा हों तो फिर उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं जाएगा आगे बढ़ते हैं ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए अब दो चीज़ें फर्स्ट आ जाती है एक उसकी उसने अगर कोई वसीयत की हो अपने माल के वाले से किसी स्पेसिफिक बंदे को उसने ज्यादा तरजीह दी हो वो पूरी कर दी जाए और सेकेंडली जो उसने किसी से कर्ज लिया है वो अदा कर दिया जाए वसीयत का ज़िक्र कर्ज पर मकदूम इसलिए किया गया है कि कर्ज का होना हर मरने वाले के हक में कर्ज का अदा होना हर मरने वाले के हक़ में ज़रूरी नहीं है और वसीयत करना इसलिए इसके लिए ज़रूरी है यानी कि क्या, क्या है कि ज़रूरी नहीं है कर्ज़ हो इसलिए कर्ज़ का दर्ज क्रैंड में किया वरना ये कर्ज़ ऐसी चीज़ है कि अवलिन है सबसे पहले उसका जितना भी कर्ज है वो निकाल के उसके जो माल है उसमें से दिया जाए और वसीयत करना जो है ज़रूरी है वसीयत इंसान के लिए बहुत अफजल चीज़ है वसीयत इंसान को अपनी ज़िंदगी में ही कर जाना चाहिए लेकिन हुक्म के अतबार से उम्मत का इस पर इजमा है कि कर्ज़ वसीयत पर मुकदम है यानी अगर मैत के ज़िमे कर्ज़ हो तो सबसे पहले मैत के तरके में से वो अदा किया जाए फिर वसीयत पूरी की जाए उसके बाद वरासत यानी क्या है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि इसका कर्जा इसमें से निकाला जाए इसके माल में से सेकंड प्रायोरिटी हो इसकी वसीयत पूरी की जाए और थर्ड है कि अब जो तकसीम बनती है वो की जाए वसीयत के मतलब सोरे बकरा में हम बता चुके हैं कि आदमी अपने कुल माल के वन थर्ड हिस्से तक वसीयत करने का इख्तियार है यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी ने लिख दिया कि मैं सारी की सारी जो अपनी फलाम बेटी को देता हूँ या फलाँ बेटे को देता हूँ तो बाकी तो बिल्कुल ही खाली रह जाएंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वसीयत इंसान सिर्फ़ अपने एक तिहाई माल का करता है तो आप भी अगर कभी वसीयत करें तो ये माइंड में होना चाहिए कि जो भी मैं लिख रहा हूँ ये वन थर्ड माल में से होगा और फ़र्ज़ करें आपने किसी एक अपने बच्चे को या बच्ची को फेवर किया है कि सारी उसको दे दिया तो उसको वो वन थर्ड हिस्सा मिलेगा फिर जो बाकी में से तकसीम होगी उसमें से भी उससे हिस्सा मिलेगा तो ये चीज़ें माइंड में रख के वसीयत करनी चाहिए और यह वसीयत का कायदा इसलिए मुकर किया गया है कि कानून विरासत की रूह से जिन अजीज़ों को मरास में हिस्सा नहीं पहुँचता उनमें से जिसको या जिस जिस को आदमी मदद का मस्क पाता हो उसके लिए अपने इख्तियार तमीज़ी से हिस्सा मुकर कर दें मसा कोई यतीम पोता या पोती मौजूद हो या किसी बेटे की बेवा मुसीबत के दिन काट रही हो या कोई बहन भाई या बहन या भावा या भतीजा या भांजा या कोई अजीज़ ऐसा है जो सहारे का मोहताज नज़र आता है तो उसके हक़ में वसीयत के जरिए से हिस्सा मुकर किया जा सकता है इसमें हिमतें हैं बहुत सारी वरासत तो इस तरह से इक्वली डिवाइड हो जाएगी लेकिन हो सकता है कोई एक आध उनमें से हो जो बहुत ज़्यादा नीडी हो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो ताकि उसे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हों तो आप अपनी वसीयत के ज़रिए से ऐसे बेसहारा शख्स को फेवर कर सकते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए तो यहाँ उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दे के बताया है और अगर रिश्तेदार दा, रिश्तेदारों में से ऐसा कोई नहीं है तो दूसरे मुस्किन के लिए भी किसी आम के काम में सर्व करने के लिए वसीयत की जा सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी शख्स के लिए हो आप किसी फलाई काम के लिए भी कर सकते हैं कि मेरा जो भी वसीयत मैं कर रहा हूँ ये फलाई इदारे को दी जाए या फ़लाँ जो है सदके हरा या मस्जिद बनवा दी जाए या किसी भी नेक और जायज़ दीनी काम के लिए आप दे सकते हैं खुलासा यह है कि आदमी की कुल मलकियत में से दो तिहाई या उससे कुछ जायद के मतलब शरीत मीरास का जब्ता बना दिया यानी वन थर्ड अगर उसने वसीयत कर दी है तो वन थर्ड उसमें से चला जाएगा जो बाकी का टू थर्ड है उसकी डिवीजन हमने जो भी ऊपर पड़ी है इस आयत में वो है जिसमें शरीय के नामजद करदा वारसों को हिस्सा मुकर हिस्सा मिलेगा या वन थर्ड उसमें से कुछ कम को खुद उसकी स्वाबीदा पर छोड़ छोड़ा गया है कि वो अपने मखसूस ख़ानदानी हालात के लिहाज से जो आदमी जो ज़ाहिर है हर आदमी के मामले मुख्तलिफ होंगे जिस तरह मुनासिब समझे तकसीम करने की वसीयत करे तो ये है कि इंसान जो है वन थर्ड अपना ख़ानदान को देखता है हालात के मुाफिक जिसको ज़्यादा चाहता है फेवर कर सकता है बाकी का टू थर्ड अल्लाह की बताई हुई तकसीम के मुताबिक जो है तकसीम हो जाता है फिर अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में म करे या बालफाज देकर अपनी अख्तियार तमीज़ी को गलत तौर पर इस तरह इस्तेमाल करे जिससे किसी को जायज़ हकूक मुतासर होते हो तो उसके लिए ये चारा कार रख दिया गया है कि ख़ानदान के बाहर रजामंदी से उसकी असलाह कर लें। से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की जाए और वह अवसियत को दुरुस्त कर दे मजीद तफी के लिए इन्होंने यहाँ जो है रसाला दिया है मोदूदी साहब अपने यतीम पोते की विरासत तो उसमें से इन्होंने बताया तो अलबत बताइए देखिए कि अब हो सकता है कि इसमें कितनी सारी हमतें हैं कि सिर्फ वन थर्ड पर वसीयत है एक तो ये कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स था कि जिसने अपनी बाकी सब औलाद से नाराज़ था या किसी एक एक ही को वो सारा फेवर करना चाहता था उसने उसको कर दिया और बाकी महरूम रह गए तो इस वजह से भी हिकमत है कि सिर्फ वन थर्ड पर ही वसीयत चलेगी आपकी बाकी का जो टू थर्ड है वो वरासत का तकसीम होगी जैसा कि इस्लाम ने बताई है और इसमें कई सारी हमतें हैं जो इंसान जानता है नहीं जानता है तो ये जवाब है इन सब नादानों को जो मिराज के इस खुदाई क़ानून को नहीं समझते इन्हें सा जवाब जो आखिर में शायद के फरमाया गया है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी औलाद में से कौन बाल नफ़ा तुमसे करीब तर है ये हिस्से अल्लाह ने मुकर कर दिए हैं और अल्लाह यकिन सब हकीक़तों से वाकफ और सारी मसीहतों का जानने वाला है ये जवाब है उन सब नादानों को जो मीराज की इस खुदाई कानून को नहीं समझते और अपनी नाक के शकल से इस कसर को पूरा करना चाहते हैं जो उनके नज़दीक अल्लाह के बनाए हुए कानून में रह गए यानी जो लोग इसमें उंगलियां उठाते हैं कि औरत को काम क्यों मिला या बेटे को काम क्यों ये वो इन हमतों को नहीं समझते जिनके तहत अल्लाह तला ने यह पता है अल्लाह जस्ट ये हम लोगों को क्लियर कर दिया कि इसमें ऐसे मसले थे पोशीदा हैं जो तुम नहीं जानते हो सकता है कि कुछ आलिम ये वो किसी न किसी तरह अपनी तफसीर से या किसी न किसी तरह क्लियर कर दें कि कैसे ये जो है बेहतर है लेकिन इसमें फिर भी ऐसी हमतें पोशीदा हैं कि यही हमारे लिए बेहतरीन है यानी जो तख्लीक़ करता है उसका जो मैनुअल होता है उसके मुताबिक अगर चलाया जाए तो फिर बिल्कुल चीज़ सही चलती है तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को ये कुरान एक मैनुअल की सूरत में दिया है कि इसके मुताबिक चलो इसके मुताबिक फ़ैसले करो इसके मुताबिक तकसीमें करो ये चीज़ ऐसे होगी ये चीज़ ऐसे होगी अगर इंसान इसके मुताबिक चलेगा तो माशर किसलाह की तरफ जाएगा तो इसलिए इसमें किसी को भी उंगली उठाने या इस बारे में किसी को भी अपनी दूसरी राय देने की ज़रूरत नहीं है हाजत नहीं है अच्छा अब जो है आ, मुझे बताएं कि इसको हम याद कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग इनको याद कर लेंगे अगर सारी डिटेल नहीं भी याद होती तो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें तो याद हो ही जानी चाहिए कम से कम ये भी पता हो जहन में हो क्योंकि हमें भी हो सकता है कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कि वसीयत हम अपने सिर्फ वन तहाई माल का करते हैं या औरत को जो है वन थर्ड मिलता है मर्द को जो है दूसरा टू थर्ड मिलता है या माँ का हिस्सा वन सिक्स होता है तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है कोशिश कीजिएगा जहन में रहें याद रहे खास तौर पे पर जो है आपके एक तहाई माल पे होती है बाकी का जो दो तहाई माल है वो वारसू में तकसीम होता है और फिर वो जो बाकी का दो तहाई है वो इस तरह से तकसीम होता है जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो थोड़े से मैं एक दो क्वेश्चन फिर इस तरह से बनाऊंगी एग्जांपल दे के कल हम पूछेंगे कि अगर फर्ज करें किसी के इतने बेटे इतनी बेटी हैं तो किस तरह से तकसीम होगी तो वो मैं पूछूंगी फिर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना है ताकि हम थोड़ा बहुत कम अज़ कम हमारे जहन में रहे ना कि ज़ाहिर है ये तो काम उनका है जो कि शरीयत के है काम डिटेल में फाइने इस्लामिक फाइनेंस जो देखते हैं वो फिर उनके तहत जाके आप किसी मुफ्ती आलिम के यहाँ जाके अपनी तकसीम डिस्कस करते हैं अगर किसी को नहीं इल्म तो पूछते हैं कि फ़लाँ भी है फ़लाँ भी है वो वारिस है या नहीं है या उसका कितना हिस्सा है वो क्लियरली इस हवाले से पूरे पूरे कानून बनाए जाते हैं पूरा पूरा एक स्कूल है जो इस पर वर्किंग करता है और जो इस इल्म को सीखते हैं और वरासत के जो सारे मामलात हैं इनको देखते हैं इस्लाम इस्लाम की जो बताई हुई तालीमा है उनकी रोशनी में अलबतः है कि हमारे लिए भी बेसिक इल्म तो हम सब के लिए ज़रूरी है ताकि ये ना हो कि हम बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ये नहीं इस मामले में जाहिल हों कि हमें कुछ मालूम ही ना हो कि क्या होना है किसको कितना मिलना है तो थोड़ी बहुत मालूम होना चाहिए इल्म हासिल करना चाहिए अल्लाह पाक हम सबको समझने की और जो इसमें हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें उन्हें पढ़ने की तोहफ़ी अता ताफर इसके अलावा एक भी हम लोग और भी नियत करते हैं इन शल कि कल से जो है हम अपने लिए हर क्लास के एंड में जो है कोई ना कोई एक पॉइंट एक बात अपने लिए एक अच्छी नोट करने वाली अमल का यानी पॉइंट हमने नोट करना है कि हमने आज के लेक्चर से ये सीखा और इससे जो है हम अपने अमल में ये चीज़ जो है ऐड करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो कोई ना कोई एक चीज़ जो आपको लगे अच्छी लगे या आप शामिल करना चाहती हो तो इन शाला वो क्लास के एंड में पूछी जाएगी तो वो भी आपने जो है नोट कर लेनी है एक आध चीज़ कोई अपने लिए टेक होम जो है ना लेसन के हमने इस पर अमल करना है तो लबाक हम सबको अमल की तोफी किताब फ़रमाए हमारी गलतियों को तहियों हम से दरगुजर फ़रमाए और हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जाए सुबह नक हमद अस्त फ़िरतुबिल استغفر الله واتوب اليك استغفر واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته